हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपने अगले चैप्टर में आ चुके हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो तक लाके छोड़ा था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को गवर्नमेंट के थ्रू तीन भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। तो PSUs होते हैं, ठीक, और PSUs होते हैं। तो मैंने बोला था कि इसको मैं पूरा की पूरा एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, तो जो कि ये वीडियो में मैं पूरी की पूरी उसकी चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या होती है हमारे पास, CPSES, ठीक। ये लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल पे थोड़ा सा बता दिया था जितना काम का था। और रही बात अगले की, तो हमको और क्या देखना था, PSB, ठीक, तो वो भी हम अलग से ही देखेंगे। तो अभी हम PSUs पढ़ने वाले हैं, तो PSUs होते क्या हैं उसको पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट ने क्या करके रखी है PSUs को, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम होता है, एक चीज हो गई। अब उसको विभिन्न प्रकार के दर्जे प्राप्त होते हैं, ठीक है, PSUs के अंतर्गत। तो आपने वो नाम सुने होंगे, महारत्न, नौरत्न, ठीक। तो ये कैटेगरीज होती है, महारत्न, नौरत्न, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2, ठीक है। इन कैटेगरी में, इन श्रेणियों में इन्हें रखा जाता है, ठीक। इसके विभिन्न प्रकार के आधार होते हैं, किन दिशा निर्देशों को ये कंप्लीट कर लें जब जाके ये इस कैटेगरी में आ जाती हैं। तो बस उन्हीं सब चीज़ों को हमको पूरा की पूरा PSU पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ना। तो कोई भी एक कंपनी होगी जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होगी, लेकिन उसको किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है, ये उसकी विभिन्न प्रकार की जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं उसको यदि वो कवर करती है तो उस पर डिपेंड रहेगा, ठीक। तो आइए हम स्टार्ट कर देते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs, ठीक। तो भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उपक्रमों व उद्योगों को क्या कहा जाता है, PSUs कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, कौन से होंगे वाले PSUs जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से अधिक होगी, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से अधिक होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल वे में हो गया, ठीक। अब इसको बताने और पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू, अब बताने पढ़ने के लिए समझने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू इसको कितने भागों में चार प्रकार से वर्गीकृत करके रखा गया है। एक होता है महारत्न, सुने होंगे हमने, नौरत्न, मिनी रत्न और मिनी रत्न 2, तो मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2, ठीक। तो क्या होगा, कोई भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का क्या होगा, एक उपक्रम होगा, एक उपक्रम होगा, किस क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होगा कोई भी एक, ठीक। तो वो सबसे पहले या तो ये कैटेगरी में आएगा, मिनी रत्न 1 की कैटेगरी में आएगा, या मिनी रत्न श्रेणी 2 में आएगा, ठीक। उसके बाद इस पे आएगा और इसके बाद किस में आएगा, महारत्न में आएगा। इसको ऐसे लिए जाने, इस कैटेगरी में रखे जाने के पीछे कुछ चीजें होती हैं। यदि वो उसको क्रॉस कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, कैटेगरी में आ जाएगा। तो पहले वो क्या होंगे, नॉर्मली उपक्रम होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के नॉर्मली उपक्रम होंगे, ठीक है। तो उसको छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं क्या, इतनी प्रकार की चार कैटेगरी है, तो सबसे छोटी कैटेगरी, उससे थोड़ी बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। अब हमको मेनली जो है पढ़ना क्या है, पूरा की पूरा अच्छे से महारत्न को, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा पेपर में हमारा यहीं से बनता है मोस्टली, जो देखा गया है, और यहां से जो कुछ बन सकता है उसके विषय में आपसे भी चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले यदि कोई कंपनी बनेगी तो क्या रहेगी, वो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रहेगी नॉर्मली, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट की 51% से हिस्सेदारी अधिक हो। लेकिन वो किस, इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में है, इसको समझने के लिए कुछ आधार होंगे जिसके थ्रू वो एक दर्जा प्राप्त करेगी कि यार ये जो कंपनी है वो मिनी रत्न 2 है, वो जो कंपनी है वो मिनी रत्न 1 में है, ठीक है। तो वो क्या दर्जे होते हैं और वो क्या चीजें होती हैं, अब उस पर बेस को हम थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक कंपनी नाम सुनोगे, HMT, है ना, HMT नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। तो ये HMT जो लिमिटेड है, इंटरनेशनल लिमिटेड है, ठीक, ये कंपनी कौन सी है, मिनी रत्न 2 की कैटेगरी में आती है। अब कोई भी कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी होगी, पहली चीज तो, ठीक। अब क्या होता है देखना, सब में एक कैटेगरी बनी है, लास्ट 3 ईयर, लास्ट के जो 3 साल होंगे उसमें लगातार क्या कमाया हो, लाभ। यदि कोई कंपनी, नॉर्मली कोई कंपनी है, जैसे HMT को मान के चलते हैं हम, ये नॉर्मल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कंपनी थी, लेकिन इसको दर्जा मिनी रत्न 2 का भी प्राप्त नहीं था, ठीक है। इसको प्राप्त करना था दर्जा, तो क्या करी इन्हें, इसका क्या देखे होंगे, इसने लास्ट 3 साल में लाभ ही कमाया हो, पिछला साल और पिछला साल, जैसे कि 19-20, ठीक है, 18-19 और 17-18। तो ये जो 3 साल ले लेंगे हम, 17-18 का ईयर, है ना, 18-19 का ईयर और 19-20 का ईयर, ठीक, इन तीनों में क्या कमाया हो, उसने लाभ ही कमाया हो, किसी भी एक ईयर में उसको हानि का सामना ना करना पड़ा हो। तो एक
ये चीज किया हो उसने, ठीक। दूसरी क्या हो, कंपनी की जितनी भी, कंपनी की जितना भी मूल्य होगा टोटल, ओवरऑल कंपनी का जो भी मूल्य होगा, या तो उसमें से 50% की स्वायत्तता, निवेश करने की स्वायत्तता, छूट, स्वतंत्रता प्राप्त हो। ये नहीं कि उसको गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़े, अनुमति लेनी पड़े, इतनी उसके पास स्वायत्तता इन्वेस्टमेंट की हो। एक पॉइंट तो ये हो गया। या 300 करोड़ रुपए, या तो वो कंपनी 300 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हो, एक चीज ये हो सकती है। या तो उसका खुद का मूल्य जो भी हो, उसका 50% का निवेश करने की वो स्वायत्तता, खुद के पास में स्वतंत्रता रखती हो कि इतनी इतनी पूंजी को वो निवेश कर सकती हो, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की भी क्या है, हिस्सेदारी है, तो गवर्नमेंट से पूछना ना पड़े वाली कंडीशन में। क्लियर है? तो या तो ये 300 करोड़ पास कर ले, 300 करोड़ का निवेश कर सके, या अपने मूल्य का 50%, ठीक है, वो मतलब जो भी इसमें से कम होगा, ठीक है, उसको माना जाएगा। या तो 300 करोड़ होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, जो भी कम आ रहा हो, ठीक, जो भी कम आ रहा हो, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें एकदम थोड़ा बहुत समझने के लिए, मेन पिक्चर है महारत्न की हमारी, जो हम यहाँ पे पूरा और अच्छे से देखेंगे, ठीक। तो किसी को भी यदि कोई भी एक सरकारी उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 2 में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, लगातार 3 साल लाभ कमाना होगा। या और दूसरी चीज क्या हो, ये दो चीज कवर करना होगी, 300 करोड़ रुपए अपने खुद के मूल्य का, कंपनी का जो भी मूल्य होगा टोटल ओवरऑल, उसके 50% से अधिक की स्वतंत्र निवेश की स्वायत्तता होनी चाहिए। क्लियर है? स्वतंत्र निवेश की स्वायत्तता, स्वतंत्र फुल फ्रीडम में होना चाहिए निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, पूंजी के, ठीक, कि गवर्नमेंट से उसको अनुमति ना लेनी पड़े। क्लियर है? ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है इसलिए, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम तो होनी चाहिए। क्लियर? तो कैटेगरी में कौन सी आएगा, ठीक, अगली कैटेगरी क्या होती है, मिनी रत्न श्रेणी 1, ठीक। तो कोई भी जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होगा, तो डायरेक्टली भी यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। इसमें भी क्या होना चाहिए, यहां पर भी लास्ट के 3 ईयर लगातार क्या कमाया हो, लाभ कमाया हो। नीचे वाली कंडीशन में जहां 300 करोड़ रुपए थे, यहां पर कितने करोड़ हो गए, वो 500 करोड़ रुपए के ऊपर सार्वजनिक स्वायत्ता रखती हो निवेश की। क्लियर है? और देखना एक चीज और क्या बोला इनने, यहां पर लाभ, यदि यहां पे तो ऐसी लाभ की कोई बात हुई नहीं थी, यहां पे लास्ट के 3 ईयर में से किसी एक वर्ष में कम से कम 30 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया हो। क्लियर है? ये 3 ईयर में से किसी भी एक ईयर में कम से कम 30 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट लाभ लिया हो, वो भी कर की अदायगी के पूर्व, मतलब कर चुकाने के पहले, ठीक है, और इतनी डिडक्शन मिल रही है कि यार कर चुकाने के पहले का तुम्हारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 30 करोड़ रुपए का। यदि कोई कंपनी ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देती है, तो वो डायरेक्ट कहां जाएगी, मिनी रत्न 1 की श्रेणी में, ठीक है। देखो मिनी रत्न 2 की श्रेणी में आना कितना इजी है, यहां पे 2 स्टेप बस फॉलो कर ले, 2 स्टेप बस क्लियर कर ली कि यार लाभ ही लाभ कमाया हो 3 साल, और 300 करोड़ या अपनी जो भी कंपनी का मूल्य हो उसका 50% से अधिक, ठीक, इसमें से जो भी सबसे कम होगा वो। क्लियर है? यहां पर देख लो कितनी एक चीज और बढ़ गई कि यार आपको 3 साल में से किसी भी एक वर्ष में कम से कम 30 करोड़ का लाभ अर्जन होना। कितने करोड़ का? 30 करोड़ का। क्या क्लियर हो दोनों में अंतर? ठीक। अब मिनी रत्न श्रेणी में अभी तक के कुल कितनी कंपनीज हैं? तो 62। कितनी टोटल? 62। मिनी रत्न 2 की श्रेणी में कितनी है? 12। तो अभी तक के जो कंपनीज की संख्या है, ठीक है, उद्योग उद्यमों की संख्या है, तो मिनी रत्न श्रेणी 2 में 12 और मिनी रत्न श्रेणी 1 में कितनी है? 62। ओवरऑल मिनी रत्न की कैटेगरी निकाली जाए तो कितनी हो रही है? 74। क्लियर है? ठीक। तो ये दोनों की पिक्चर क्लियर हो गई यहां पर। अब हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। नौ रत्न कैटेगरी में यदि किसी कंपनी को आना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? या तो मिनी रत्न 1 का दर्जा प्राप्त हो या मिनी रत्न 2 का दर्जा प्राप्त हो, वही कंपनी नौ रत्न की श्रेणी में आएगी। ठीक। यहां पर जैसे मिनी रत्न श्रेणी 1 में 62 है, मिनी रत्न श्रेणी 2 में 12 है, वैसे ही यहां पर नौ रत्नों की वर्तमान संख्या कितनी है? 14। पहले जो की क्या थी? 16 थी। तो 2 कहां चली गई है? यहां पर आ गई है। तो अब इनकी संख्या 16 में से 2 कम होके कितनी रह गई है? 14। ठीक। तो अब कंपनी को नौ रत्न बनने के लिए, तो कौन सी कंपनी नौ रत्न बनेगी भाई साहब यहां पर? अपनी कभी भी जो मिनी रत्न 1 में हो या 2 में हो। ठीक। अब इन कंपनियों को जो मिनी रत्न 1 या 2 में है, उसको क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 5 ईयर में से 3 वर्षों में, ठीक, ये जो 6 मापदंड दिए हैं, इस पर रेटिंग मिलनी चाहिए। और रेटिंग कैसी होगी? 100 में से 60 से 60 अबव होना चाहिए। ठीक। तो जब कंपनीज को इन सभी चीजों में एक रेटिंग बनाई गई, ठीक,
100 में से कितना प्राप्त होना चाहिए, कम से कम 60, 60 एबव रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। तो मिनिमम 100 में से कितनी होना, 60 होना कि इन मापदंडों को, ठीक है। कैसी कैसी चीज, कुल शुद्ध पूंजी कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है, शुद्ध पूंजी ओवरऑल कंपनी की कितनी पूंजी है, ठीक, नेट प्रॉफिट कितना गया, कुल श्रम शक्ति की लागत क्या रही, ठीक है, वस्तु व सेवाओं की उत्पादन लागत क्या रह रही है, ठीक है, प्रति अंश की आय और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, इन 6 मापदंडों पर कंपनी को रखेंगे जो यहाँ की कंपनी है, और इसमें से वो 100 में से 60% के ऊपर लेके आती है, तो उसको क्या किया गया, क्या कर दिया जाएगा, वो किस कैटेगरी में आने के काबिल हो जाएगी भाई, 9 रत्न में आने के काबिल हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो यहां पर जैसे कि अब यहाँ क्या बोल रहा है, वो कंपनी 100 करोड़ या 15% बिना सरकार के मंजूरी के निवेश स्वायत्तता प्राप्त हो, तो निवेश स्वायत्तता देखना, सबसे छोटी की 300 थी, इसकी 500 हुई और इसकी कितनी हो गई, 1000 करोड़ रुपए, कितनी हो गई, 1000 करोड़ रुपए, या खुद की जो कंपनी का मूल्य है उसका 15% बिना सरकार के मंजूरी के निवेश स्वायत्तता प्राप्त, निवेश की स्वायत्तता रखती हो, समझ में आ रहा है निवेश स्वायत्तता क्या है, वही वाली बात है कि यार गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप है, गवर्नमेंट, ठीक, तो कंपनी बिना गवर्नमेंट की अनुमति के इतना इतना निवेश करने का क्या रख सकती हो, दम रखती हो, ठीक है। इतनी चीज, यदि इतनी चीज किसी निनी रत्न कंपनी के पास कोई भी कैटेगरी की, यदि वो इसको क्लियर कर लेती है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, 9 रत्न की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक। हमने यहीं से पढ़ना क्यों स्टार्ट की, क्योंकि नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब जाके यहां पर, अब हमको ये बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहां की पिक्चर क्लियर होगी, 300, 500, 1000, बाकी की ये थोड़ी सी पिक्चर, ठीक। तो कौन बन सकती है 9 रत्न, क्लियर है। तो 9 रत्न कंपनियों की संख्या 14 है, मिनी रत्न श्रेणी 1 की 62 है, मिनी रत्न श्रेणी 2 की 12 है, पिक्चर क्लियर। अब यहां पे आते हैं, महारत्न कंपनी, कौन सी कंपनी महारत्न बन सकती है, कोई भी 9 रत्न कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होना, यदि आपको किसका दर्जा प्राप्त करना है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करना है, तो आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, 9 रत्न का दर्जा प्राप्त होना पड़ेगा, ठीक। तो कितनी कंडीशन, सबसे पहले तो 9 रत्न होना चाहिए वो, दूसरी चीज शेयर बाजार में क्या हो वो पूंजीबद्ध हो, ठीक है, सूचीबद्ध हो, शेयर बाजार में क्या हो वो सूचीबद्ध हो, ठीक है। और देखना लास्ट के तीन साल के दौरान यहां पर जो भी चीज होगी वो क्या होगी, प्रतिवर्ष, क्या होगी, प्रतिवर्ष, मतलब लास्ट के तीन साल में प्रतिवर्ष सालाना कारोबार मींस दैट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक, मतलब ये साल 25,000 करोड़ से अधिक, ये साल 25,000 करोड़ से अधिक, ये साल पूरे तीनों सालों में 25,000 करोड़ रुपए से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्या, टर्नओवर, तो टर्नओवर कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक। शुद्ध संपत्ति या नेटवर्थ, नेटवर्थ कितनी होना चाहिए, 15,000 करोड़, ठीक है। और शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से अधिक, कैसा होना चाहिए, कर देने के बाद, यहां पर मैंने क्या बोला था एक जगह पे, ये कर देने के पूर्व, कर देने के पहले, यहां पे थोड़ी सी ढील थी, यहां लेकिन बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा टाइट है काम, कैसा, ये बोल रहे हैं कि भैया कर देने, गवर्नमेंट को जो आप कर दोगे, टैक्स दोगे, उसके बाद आपका बेनिफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए का पर ईयर, और ऐसा लास्ट के तीन साल तक होना चाहिए। तो ये तीनों चीज लास्ट के तीन साल तक कैसी होना चाहिए, 25 करोड़ से अधिक का टर्नओवर हो आपका प्रतिवर्ष, नेटवर्थ कितनी हो, 15,000 करोड़ से अधिक हो, और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक आपके कर देने के बाद क्या होना चाहिए, शुद्ध लाभ होना चाहिए। तो यदि कोई भी 9 रत्न कंपनी लास्ट के तीन साल में ये कार्यक्रम कर देती है, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाती है और 9 रत्न का दर्जा प्राप्त हो, तो ये यहां की जो ये कंपनी है, जैसे कि इनकी 16 थी संख्या, इसमें से अभी जो दो लेटेस्ट HPCL और पावर ग्रिड, ये दोनों ने क्या करी है, ये कंडीशन को फुलफिल कर दी है, तो ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद क्या हो गई है, वो महारत्न की श्रेणी में आ गई है, ठीक है ना। तो दिसंबर 2019 से क्या हुई, ये दो, ये 8 थी पहले, इनकी संख्या अब कितनी हो गई है, 10, तो पहले ये 8 थी, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 10, और ये पहले 16 थी, इनकी संख्या कितनी बची, 14, क्योंकि इनकी जो दो कंपनी थी पावर ग्रिड और HPCL, इनने क्या कर ली है भाई, समझ में आ रहा है, ये कंडीशन को फुलफिल कर दी है, और वो किस कैटेगरी में आ गई है, महारत्न की कैटेगरी में
आ गई है, क्लियर है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, यहां मैंने जितनी चीज ये बताई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, अब और क्या क्वेश्चन बनते हैं, महारत्न से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्तमान संख्या महारत्न कंपनियों की कितनी है भाई, तो 10 हो गई है। पहले कितनी थी 2019 में, तो 8 थी। दो न्यू लेटेस्ट कौन सी एड हुई है, तो सबसे लास्ट में कौन, पावर ग्रिड और एचपीसीएल। तो पावर ग्रिड और एचपीसीएल लास्ट टाइम कहा गया और इनको क्या किया गया है, दिसंबर 2019 में घोषणा उपरांत ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यही है, क्लियर हो। अब यहां पर देखो आपको क्या होना कि ये जो भी कंपनीज अपन पढ़ने वाले हैं यहां पर कि कौन कौन सी है, तो सबसे पहले क्या लिखी है, भेल, BHEL, क्या लिखा है, भेल। तो इनके फुल फॉर्म भी मैं बोल दे रहा हूं, तो आप लोग मेंशन कर लें, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और मोस्टली व्यापम के पेपरों में भेल के विषय में बार बार पूछता है वो कि भेल की स्थापना कब हुई है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक। तो भेल की स्थापना कब हुई है कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार व्यापम ने मोस्टली बार बार पूछा हुआ है, ठीक। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यहां जितनी जगह एल आएगा वो क्या है, लिमिटेड है। सी आएगा वो क्या है, कॉरपोरेशन है, ठीक है। सी आएगा मतलब क्या है, यहां पे वो क्या है लास्ट में, कॉरपोरेशन। एल आया लिमिटेड, पिक्चर क्लियर है। ओ आएगा मोस्टली सामने की तरफ में, तो ऑयल होगा वो, क्लियर है। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, बस एक बार समझ लेना है और उसके बाद दो तीन बार हम इसकी रीडिंग करेंगे तो हमारे माइंड में फिक्स हो जाएगी। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, क्लियर है दो, ठीक है। GAIL क्या लिखा है, GAIL नॉर्मली इसको क्या पढ़ते हैं, गेल। अब गेल तो बोलते ही है, ठीक है। गेल का फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर अगला क्या है, IOCL, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सी से मोस्टली क्या होगा, कॉरपोरेशन शब्द होगा, एल से क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। आई से इंडिया आएगा, फर्स्ट में आएगा, तो ठीक। तो क्या बोला भाई मैंने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, ठीक। तो एनटीपीसी क्या हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, क्लियर है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, SAIL, इनके नाम नॉर्मली क्या चलते हैं, गेल, सेल, इस टाइप से नाम चलते हैं। तो हमको ये भी याद रखना है कि यार ये 10 कौन कौन सी है, पहले तो हमको उनके फुल फॉर्म वगैरह पता हो, उसके बाद हम आगे की बात करें, ठीक है। तो SAIL क्या हो गया, सेल। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियर है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, देखना CL कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन ये आ क्या रहा है, B से भारत, P से पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, S से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। बहुत सिंपल है, दो चार बार बोलेंगे आपको फिक्स हो जाएगा माइंड में। फिर HPCL और पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड को पावर ग्रिड ध्यान रखो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं दौड़ाना है, ठीक है। तो यहां पर ये दो न्यू लेटेस्ट ऐड हुई हैं, तो इनको याद रखना है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नई महारत्न कंपनी कौन सी बनी है, ठीक है, जो लिस्ट हुई है। और इतना इंपॉर्टेंट एरिया था जहां तक कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसकी कवर करके बता दी है। तो मोस्टली आपको संख्या ध्यान रखनी है, जैसी कुछ अपडेशन होता है तो आप अपने नोट्स में अपडेट कर लें, ठीक है। तो यहां तक के कैसा रहा वीडियो कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं हमें, ठीक। बाकी पूरी पिक्चर मैंने क्लियर कर दी है। तो ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, इतना प्यार देने के लिए थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।